कोलकाता भारत का इकलौता शहर जहां आज भी ट्राम चलती है। बीते 150 साल से ये यहां के लोगों की हमसफर रही है, लेकिन अब इसके पहिए शायद थमने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ट्राम को बंद करना चाहती है। अगर शहर के सार्वजनिक परिवहन से ट्राम को हटाया जाता है तो ये तन्मय जैसे ट्राम प्रेमियों के लिए शहर की एक पहचान को मिटाने जैसा होगा। लोग जब कलकत्ता में आते हैं तो लोगों का दिमाग में आता है कोलकाता का दुर्गा पूजा, रसगुल्ला, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, ये जैसे आइडेंटिटी है कलकत्ता का, वैसे ही कलकत्ता का ट्राम 150 साल से जुड़ा हुआ है और ये भी एक आइडेंटिटी है। तो बिना आइडेंटिटी से कैसे बचता है कोई शहर बोलिए या कोई इंसान बोलिए, उसको बचाए रखना और बचा के रखना जरूरी है। दुनिया के कई शहरों की तरह जब कोलकाता में पहली बार ट्राम चली तो उसे इंजन नहीं बल्कि घोड़े खींचते थे। साल था 1873। सियालदाह से लेकर आर्मेनियन घाट तक करीब 4 किलोमीटर तक चलने वाली ये ट्राम सेवा कुछ ही महीनों में बंद कर दी गई। इसके 7 साल बाद कोलकाता में फिर ट्राम की शुरुआत हुई। 1882 में ट्राम को चलाने के लिए भाप वाले इंजन आजमाए गए और फिर आया साल 1902 जब बिजली से चलने वाले इंजन आए और बहुत कामयाब रहे। इसके बाद कोलकाता का ट्राम नेटवर्क बढ़ता चला गया। When the system was fully operational, जब ट्राम सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा था तो कोलकाता और हावड़ा में इसके 40-41 रूट थे। हावड़ा का अलग ट्रामवे था, अभी तो सिर्फ 3 रूट चल रहे हैं। 2015 तक भी कोलकाता में 25 रूटों पर ट्राम चल रही थी, लेकिन बीते सालों में वो कोलकाता की सड़कों से गायब होती गई है। कुछ लोग इसे गुजरे जमाने की चीज मानने लगे तो कुछ लोग इसे बहुत धीमी बताकर सड़कों पर जाम की वजह बताते हैं। पिछले दिनों कोलकाता हाई कोर्ट में ट्राम सेवा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने ट्राम को बंद करने की योजना के बारे में बताया। हालांकि अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। परिवहन मंत्री ने बताया कि ट्राम की धीमी गति पीक आवर्स में सड़कों पर ट्रैफिक जाम का कारण बनती है और मौजूदा वक्त में उसे इसी गति पर चलाए रखना कठिन है क्योंकि यात्रियों को तेज चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए मैदान से लेकर एस्प्लानेड तक जाने वाली ट्राम का रूट खुला रहेगा, बाकी रूटों से ट्राम को हटाया जाएगा। परिवहन मंत्री का ये बयान ट्राम के चाहने वालों को मायूस कर गया। उन्होंने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध जताया और बताया कि 150 साल पुरानी इस विरासत से उन्हें कितना लगाव है और उसे बचाए रखना क्यों जरूरी है। कैलकाटा ट्राम यूजर्स एसोसिएशन यानी CTUA कई साल से ट्राम सेवा को बचाने के लिए अभियान चला रहा है। एसोसिएशन कहता है कि ना तो ट्राम धीमी है और ना ही उसकी वजह से सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, बल्कि उसका कहना है कि टैक्सी, रिक्शा, बसों और निजी कारों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्राम की बलि दी जा रही है। There is no timetable and the frequency of tram कोई टाइम टेबल नहीं है, बहुत कम ट्राम चल रही है। आपको पता नहीं होता कि अगली ट्राम कब आएगी, 40 मिनट बाद, 1 घंटा या 2 घंटे बाद। दूसरी बात, पहले ट्राम के लिए रिजर्व ट्रैक होते थे, अब कार मालिकों की सुविधा के लिए उन ट्रैक्स को डी रिजर्व कर दिया गया है। ट्राम में चढ़ने और उतरने वालों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, तो योजना ये है कि लोग ट्राम में ना चढ़ें। निश्चित तौर पर आप पूछ सकते हैं कि इससे किसको फायदा होगा, ऑटो रिक्शा, प्राइवेट बसों और दूसरी टैक्सियों को। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा है, जिसे लोग यहाँ गंगा भी कहते हैं क्योंकि करीब 260 किलोमीटर लंबी इस नदी का स्रोत गंगा ही है। यहाँ फेरी सर्विस भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा है जो शहर के कई इलाकों को जोड़ती है। मशहूर हावड़ा ब्रिज के पास ये फेरी सर्विस के मुख्य बोर्डिंग पॉइंट्स में से एक है। सड़कों पर दौड़ती पीली टैक्सी भी कोलकाता की पहचान है।
निजी बसों और कारों के साथ साथ कोलकाता मेट्रो शहर का सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार सार्वजनिक परिवहन है। दूसरी तरफ कोलकाता के कुछ इलाकों में अब भी आपको हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे मिल जाएंगे। इनके अलावा शहर में और भी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि आप टाइम मशीन में बैठकर 70-80 साल पीछे चले गए हैं। कोलकाता 1911 तक भारत की राजधानी रहा, उस भारत की जो अंग्रेजों के शासन के अधीन था। इसीलिए इस शहर में आपको बहुत सारी चीज़ें उस जमाने की दिखाई पड़ती हैं। जैसे मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग, और ये उस समय सत्ता के अहम केंद्रों में से एक था। ऐसी इमारतें और उस जमाने की बहुत सारी चीज़ें आपको कोलकाता में आज भी नज़र आती हैं, और इन्हीं में शामिल है कोलकाता की ट्राम भी, जो कभी इस शहर की जीवन रेखा हुआ करती थी, लेकिन आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। लेकिन क्या इस महानगर की परिवहन व्यवस्था में ट्राम के लिए वाकई कोई जगह नहीं बची है? ये जानने हम पहुंचे पर्यावरणविद दीपायन दे के पास। वो कोलकाता में बचपन से रह रहे हैं और वो इस शहर के विस्तार और इसकी जरूरतों को अच्छी तरह से समझते हैं। हर एक फैसिलिटी उसी हिसाब से होना चाहिए जो अभी के जिंदगी खोजता है। हमारे अगर जो एक्सटेंडेड टाउनशिप्स है, वहाँ देखिए ट्रम की लाइंस है नहीं। आज अगर न्यू टाउन या एयरपोर्ट के पीछे जो शहर बना हुआ है, या इधर बाईपास के इर्द गिर्द में जो शहर बना हुआ है, वहाँ अगर ट्रम की वैसा सिक्वेंशियल लाइनिंग होता तो हो सकता है कि लोग चढ़ते, लेकिन ये प्लानिंग में कहीं पे इसका स्थान आया नहीं। बीते 150 साल में कोलकाता का आकार 4 गुना बढ़ा है। इस दौरान शहर की आबादी 20 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है। कोलकाता पूर्वी भारत में सबसे बड़ा महानगर है, इसीलिए कई इलाकों से हर दिन लाखों लोग यहां आजीविका कमाने आते हैं। लेकिन शहर की आबादी से भी तेज रफ्तार से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। कलकत्ता में एक समय था जबकि केवल मात्र 4% की कवरेज था रोड की, उसको बढ़ा के फ्लाईओवर वगैरह करके हम लोग 8.5% किए हैं, जबकि कलकत्ता को चाहिए होगा 18% लगभग रोड कवरेज। और इसके साथ अगर आप ये तुलना करें कि व्हीकल की संख्या कितना बढ़ा है, तो लगभग 34% जंप हुआ है केवल एक दशक में। हर एक आदमी के पास एवरेज 1.28 व्हीकल्स है। अब इस हालात में हमारे रोड सिस्टम में जो स्पीड चाहिए होगा कंजेशन को ब्लॉक करने के लिए, उस स्पीड का आधा का आधा का आधा स्पीड में ट्रम चलती है। यानी कोलकाता समय के साथ आगे बढ़ता गया, लेकिन ट्राम पीछे छूटती गई। उसे इलेक्ट्रिक इंजन आने के बाद से कभी मॉडर्नाइज नहीं किया गया। वैसे दुनिया के बहुत से देशों ने ट्राम को न सिर्फ संभाल कर रखा है, बल्कि उसे आधुनिक परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में दुनिया का सबसे पुराना ट्राम नेटवर्क है। 1885 से लगातार चल रही मेलबर्न ट्राम 20 से भी ज्यादा रूटों पर चलती है। 500 से ज्यादा ट्रामों का उसका नेटवर्क करीब 250 किलोमीटर में फैला है। वहीं रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 40 रूटों वाला ट्राम नेटवर्क 205 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। सबसे बड़े ट्राम नेटवर्क के मामले में तीसरा स्थान है जर्मन राजधानी बर्लिन का, जहां ट्राम के 22 रूट हैं जो 193 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का हिस्सा हैं। दुनिया के बाकी शहरों में ट्राम चल सकती है, तो सवाल ये है कि क्या कोलकाता में भी ऐसा संभव है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मैं चाहूंगा कि ट्राम चलती रहे, लेकिन हमें उसे आधुनिक बनाना होगा। मैंने जर्मन ट्रेन देखी हैं, जिन्हें आप स्ट्रीट ट्रेन कहते हैं। वो बहुत बेहतर हैं, तेज चलती हैं, बहुत कम या बिल्कुल भी शोर नहीं करती। ये यहाँ पर भी हो सकता है। डॉक्टर रुद्र कहते हैं कि एक तरफ ट्राम जहां वायु प्रदूषण नहीं फैलाती, वहीं ये कोलकाता और यहां की लोकप्रिय संस्कृति का लंबे समय से हिस्सा रही है। हालांकि वो जानते हैं कि आज शहर की जरूरत क्या है।
कोलकाता इज चेंजिंग वेरी। असल में कोलकाता बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसे मैं शहर की न्यू लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग कहता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेट्रो ट्रेन हर जगह छाई हुई है, परिवहन के बाकी सभी साधनों से आगे है। मेट्रो उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ती है। यहाँ तक कि गंगा नदी के नीचे भी मेट्रो टनल है, जो दोनों तरफ के स्टेशनों को जोड़ती है। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ रूट्स पर ट्राम को चलाया जाना चाहिए। पिछले साल दिसंबर में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से कोलकाता में ट्राम सेवा को बहाल किया जा सकता है और इसमें नई जान फूंकी जा सकती है। मामला अभी अदालत में लंबित है और ट्राम एसोसिएशन के सदस्यों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट ट्राम को जारी रखने के हक में फैसला देगा। वो कहते हैं कि ट्राम कोलकाता का अतीत नहीं बल्कि भविष्य है। ट्राम ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, उनसे कोई उत्सर्जन नहीं होता। बहुत लोग इन दिनों कहते हैं कि बैटरी कार, बैटरी बसें या इलेक्ट्रिक बसें समाधान हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप बैटरी से चलने वाली कोई चीज ड्राइव कर रहे हैं तो आप बैटरी से जुड़ा कचरा भी पैदा कर रहे हैं। ट्राम ऐसा कोई कचरा नहीं पैदा करती, तो ट्राम कोलकाता का बढ़िया भविष्य है। तमाम खूबियों और शानदार अतीत के बावजूद कोलकाता की ट्राम के लिए आगे का रास्ता मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन कोलकाता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। I agree that the people who are... मैं सहमत हूँ कि जो लोग ट्राम के पक्ष में हैं वो सीमित संख्या में हैं। अब ज़्यादातर लोग कारों की तरफ आकर्षित हैं, भले ही कार सेकेंड हैंड हो या पुराने ज़माने की। आपको अपना रुतबा दिखाने के लिए बस कार चाहिए। ट्राम की बहाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जलवायु परिवर्तन और शहरों की जलवायु से जुड़े G20 के दिशा निर्देश देखें तो शहर के लिए ट्राम का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या शहर ट्राम के साथ चलना चाहता है? क्या शहर के अधिकारी ऐसा चाहते हैं? इसी पर कोलकाता ट्राम का भविष्य निर्भर करेगा।